नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरा जो पिछला वीडियो था आप लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के जो अभी लास्ट सेशन लिया था उसमें और अभी में मेरा क्राउन एरिया ऑलमोस्ट भरना चालू हो चुका है और उसके साथ साथ डोनर एरिया भी मेरा फिल होना चालू हो चुका है। मैंने डे लाइट में वो वीडियो बनाया हुआ था, आप लोगों में से ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। कुछ भाई लोगों का कहना यह था कि वो अंधेरे में वीडियो बनाया हुआ था, मीन्स क्लाउडी डे था, तो बहुत प्रॉपर सनलाइट में दिखाओ भाई वीडियो को, प्रॉपर सनलाइट में। हालांकि वो काफी हद तक डे लाइट में ही बनाया गया था, लेकिन कुछ भाई का कहना है कि तुम बहुत गोरे हो, ठीक है ना, लेकिन तुम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हो, अंधेरे बनाते हो, इसलिए तुम थोड़े से सांवले दिखना चालू हो जाते हो, जबकि बिल्कुल भी ऐसा सही नहीं है। एक्चुअल मेरा फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके कारण ये बात सच है कि मैं गोरा हूँ, मेरा रंग खुला हुआ रंग है, लेकिन मैं फील्ड वर्क के कारण मुझे सन टैन का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण मेरा रंग जो है बीच बीच में उतर जाता है वीडियोज में जो आपको दिखता है। दो चार दिन फिर मुझे रेस्ट मिलता है किसी काम से, तो फिर वापस मेरा रंग खुल जाता है। ये चीज़ें मुझे बहुत फेस होती है। रिलेटिव्स के यहाँ भी जाता हूँ, कहीं भी जाता तो उस लोग बोलते हैं भाई तू काला होना चालू हो गया है, जैसे दो तीन दिन उनके यहाँ रुकता हूँ वापस मेरा रंग खुल जाता है। तो ये चीज़ मेरे साथ ये हो ही रही है, तो मेरा रंग कभी गोरा कभी सांवला हो जाता हूँ, ये इसका कोई कॉन्ट्रास्ट से या किसी चीज से लेना देना है नहीं। खैर, बात ये आती है कि मैं जो ये रिजल्ट दिखाया हुआ था जहाँ पे मेरा डोनर एरिया पूरी तरीके से हील्ड दिख रहा है, पहले मेरा कुछ इस टाइप का सर्जरी के 3 महीने बाद कुछ इस टाइप का दिख रहा था, उसके बाद वर्तमान समय में ऐसा दिख रहा है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि इतना अच्छी तरीके से रिकवर कैसे कर रहा है डोनर एरिया। तो आज के वीडियो में प्रॉपर डे लाइट में चमचमाते सनलाइट में, डे लाइट भी नहीं सनलाइट में जो है मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, जहां पर मैं अपना डोनर एरिया, क्राउन एरिया और रिजल्ट प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। इस वीडियो को अभी कभी लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक कर दो, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने कहा से हेयर ट्रांसप्लांटेशन अगर वो जाने के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि भाई हमारा एक्चुअल में हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैसा आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन से लोगों को बेसिक उम्मीद यह है एरिया कवरेज, बड़े ग्रेड में लोग हेयर पैच या हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे जैसे केसेस में जो है अगर मेरा पूरा एरिया कवर होता है, ठीक है ना, 90% भी कवर होता है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के फील्ड में ये। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि शाम के टाइम पे कुछ इस टाइप का मेरा जो है फ्रंटल साइड से इस टाइप का दिख रहा था, और उसके बाद डोनर एरिया कुछ इस टाइप का दिख रहा था, जहां पर क्राउन एरिया देख सकते हैं थोड़ा बहुत चमक रहा है। फ्रंटल पार्ट में काफी अच्छी डेंसिटी है और काफी अच्छा दिख रहा है। बात आती है कि दिन की रोशनी में फ्रंटल पार्ट किस टाइप का दिखता है, तो आइए देख लेते हैं। दिन की रोशनी में कुछ इस टाइप का फ्रंटल पार्ट दिखता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रोशनी जो है पीछे से आ रही है, जहां पर बराबर धूप आपको दिख रहा होगा, पीछे से रोशनी है और बहुत अच्छी डेंसिटी में जो है रिजल्ट दिख रहा है, बहुत हाई डेंसिटी में। जो जिस तरीके से आप लोगों को लग रहा था कि डेंसिटी काफ़ी कम दिखना चालू हो गया, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ साथ एक और फुटेज में आप लोगों को दिखाता हूँ, जहाँ पर जो है उसी रोशनी को जो है वो फ्रंटल पार्ट से आ रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से डेंसिटी दिख रहा है, और कुछ भी अलग नहीं है। जो मैंने आप लोगों को पिछला रिजल्ट दिखाया था और अभी का जो रिजल्ट दिखाया था उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। अब बात आती है डोनर एरिया की दोस्तों, तो आप डोनर एरिया देख सकते हो। डोनर एरिया तो एक्चुअल में मैं बताऊं तो मुझे ये जो मैंने आप लोगों को कल बताया था अपना डोनर एरिया, उससे भी ज्यादा बेहतर दिख रहा है धूप की रोशनी में। आप देख सकते हो ये बिल्कुल चिलचिलाती धूप में जो है ये वीडियो बनाया गया है, और डोनर एरिया क्राउन एरिया भी आप देख सकते हो कि काफी तरीके से भर गया है। आप देख सकते हैं कि क्राउन एरिया बिल्कुल भरने की कगार पे है, और अभी रिजल्ट पूरा अभी 3 महीने पहले ही 3-4 महीने पहले ही मैंने हेड शेव किया था, अभी रिजल्ट आया नहीं है और लेंथ अभी बालों की है नहीं, तो डेफिनेटली ये क्राउन एरिया और भी कवर होगा। डोनर एरिया आप देख सकते हो कि फुल्ली रिकवर्ड है। अब आप लोगों में से कई लोगों को लगता है कि भाई ये हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े हेयर ट्रांसप्लांटेशन और इतना ज्यादा एक्सट्रैक्शन के बाद कैसे आप लोगों का इतना अच्छा डोनर एरिया दिख रहा है। इसका रीजन दोस्तों ये है मल्टीपल सेशन। जी हाँ, मल्टीपल सेशन जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही बेनिफिशियल होता है। कई सारे लोग जो है एक ही सेशन में पूरा छुलवाना चाहते हैं अपने डोनर एरिया को। मैं उस चीज से हमेशा बचता रहा हूँ। फर्स्ट सेशन में सिर्फ मैंने एरिया कवरेज पर फोकस किया, सेकेंड सेशन में जो है ये मैंने डेंसिटी पर फोकस किया है। तो अगर बड़ा ग्रेड है तो आप फोकस यही कीजिएगा कि मल्टीपल सेशन, कम से कम 2 सेशन तो लीजिए, एक आपका एरिया कवरेज पर जाएगा, दूसरा डेंसिटी पर, तो उससे आपका डोनर एरिया पर एक साथ जो है लोड नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं डोनर एरिया फुल्ली रिकवर्ड है, फुल्ली, कहीं भी आपको पैची डोनर एरिया नहीं दिख रहा होगा। दूसरी बात, जिस क्लिनिक से मैंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा है वहां पर बिल्कुल एक्सट्रीमली नए पंचेस, शार्प पंचेस यूज हुए हैं, जहां पर बिल्कुल भी गैप नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से डोनर एरिया को एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ये होता है एक अच्छे क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने का
परिणाम। आप भी अगर कराना चाहते हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन तो दिए गए नंबर पर अपना डोनर एरिया और बॉल्ड एरिया की पिक्चर जो है भेजकर अपने बारे में जान सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वर्तमान समय में मेरा स्पूपर सनलाइट में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा ये रिजल्ट। और अभी भी कुछ शिकायतें हैं अगर तो भी लिखो भाई, डेफिनेटली आप लोग वीडियोस देखते हो, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई और भी और इससे ज़्यादा धूप में कहाँ से दिखा सकते भाई, इससे ज़्यादा धूप के लिए तो फिर हमें फिर स्पेस पे जाके धूप में दिखाना पड़ेगा क्योंकि इससे ज़्यादा धूप में कोई भी आपका देखने नहीं वाला है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक नॉर्मल प्रोसीजर है जहाँ पर जो है आपका बाल हटा के कोई भी ऐसे रिजल्ट्स नहीं देखने वाला है। नॉर्मली आप कैसे दिखते हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो बेसिकली मैटर करता है, ठीक है ना। एक बार कंघी करने के बाद ऐसा तो नहीं थोड़ा सा यहाँ वहाँ हाथ लग जाए तो गंजापन दिखने लग जाए, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होती हैं। ये एकदम बाल हटा के कंघी हटा के ऐसे आपका कोई भी नहीं देखने वाला है। हालांकि क्योंकि चैनल ही हमारा हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर है, अगर आप और भी उस किसी अलग तरीके से वेट हेयर्स में ऑयल लगा के मांगेंगे तो डेफिनेटली वो भी हम लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तेरे नया वीडियो रखती हूँ, बाय, टेक केयर, अच्छा चलिए।